हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स 32वें कॉन्वोकेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी के लिए इग्नू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है, जिसमें आपके कॉन्वोकेशन के वेन्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स 32वें कॉन्वोकेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को 3 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से पहले अपने मानेकशॉ सेंटर दिल्ली पहुँचना होगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली NCR रीजनल सेंटर्स के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही जगह पे कॉन्वोकेशन रखा गया है। मानेकशॉ सेंटर में काफ़ी अलग अलग ऑडिटोरियम है, उनमें से आपको जोरवार ऑडिटोरियम में 10:30 से पहले पहुंचना होगा। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इस कॉन्वोकेशन को लाइव देखना चाहते हैं तो इग्नू की तरफ से जल्दी ही एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप इस कॉन्वोकेशन को पूरा लाइव देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, 3 अप्रैल को आपका कॉन्वोकेशन शेड्यूल्ड है, जिसके लिए आपके जितने भी इग्नू के स्टाफ हैं वो सभी इस कॉन्वोकेशन को अटेंड करने जाएंगे। इसलिए आप में से जो भी स्टूडेंट्स अगर अपना स्टडी मटेरियल लेने के लिए इग्नू के सेंटर मैदान गढ़ी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है कि आप सभी 3 अप्रैल को अपने बुक्स या स्टडी मटेरियल के लिए ना जाएँ। दोस्तों, इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपने टर्म एंड एग्ज़ाम्स दिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे लेटेस्ट रिजल्ट की अपडेट कर दी गई है। आप जैसा यहाँ पे स्टेटस में देख पा रहे हैं, स्टेटस एज ऑन अप्रैल 2, 2019। जी हाँ दोस्तों, आपके टर्म एंड के रिजल्ट के साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने अपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, उनके रिजल्ट को भी यहाँ पर 2 अप्रैल को अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपके रीवैल्यूएशन रिजल्ट से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपके जो रीवैल्यूएशन के रिजल्ट्स होते हैं, वो अलग अलग इवैल्यूएशन सेंटर से दिल्ली पहुँचते हैं, उन्हें फिर एक एक करके अपडेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाए और उसके बाद में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, उनका रिजल्ट आउट किया जाता हो। एक एक स्टूडेंट का भी अपडेट किया जा सकता है। आपने जिस दिन अप्लाई किया था, उसके बाद में आपका इवैल्यूएशन सेंटर पहुंचने में एटलीस्ट 4 से 5 दिन लग जाता है, और उसके बाद में मिनिमम 45 डेज लग जाते हैं आपके इवैल्यूएशन सेंटर को आपका रिजल्ट फिर से रीचेक करने के लिए। सो दोस्तों, आप यहां पे थोड़ा सा धैर्य रखें और अपना रिजल्ट के लिए वेट कीजिएगा। जैसे ही आपके रिजल्ट आ जाएंगे, आप अपने रिजल्ट यहाँ पर चेक कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।